वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज़, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। यहाँ हम आपको बताते चले कि फिल्म दृश्यम का अपना अलग फैन बेस है और यह फिल्म मलयालम के साथ साथ हिंदी में भी एक बड़ी हिट साबित हुई थी। वहीं मलयालम फिल्म दृश्यम 2 भी एक सुपरहिट बन चुकी है। वहीं अब हिंदी बेल्ट के फैंस भी दृश्यम 2 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट का हिंदी वर्जन एक बार फिर अजय देवगन के साथ देखने को मिलेगा, मगर इसमें अब एक बड़ी अड़चन सामने आ गई है। दरअसल फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए गए थे। इस फिल्म के हिंदी रीमेक की अनाउंसमेंट के साथ विवाद भी सामने आ चुका है। इसके साथ ही मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। इसके बारे में ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिली है। रिपोर्ट्स की माने तो वाईकॉम 18 का आरोप है कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट के बनाने के दौरान कुमार मंगत और पैनोरमा स्टूडियो उन्हें अलग नहीं कर सकते। वो पहले पार्ट में भी हिस्सेदार थे, ऐसे में उनकी रजामंदी भी दूसरे पार्ट के लिए ज़रूरी है। करीबी सूत्र ने कहा, वाईकॉम 18 ने मोशन पिक्चर्स ने कुमार मंगत को कहा है कि वो इस तरह से उन्हें इस फिल्म से अलग नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि वो दृश्यम 2 को ना तो खुद बना सकते हैं और ना ही किसी और के साथ मिलकर बना सकते हैं। दरअसल कुमार मंगत इसके बावजूद आगे बढ़े और उन्होंने इसका ऐलान कर दिया, जो उन्हें नागवार गुजरा। उन्होंने इसके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज करवा दिया है। इस केस की पहली सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। हालांकि अभी इस पर कुमार मंगत की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, जिसका हमें भी इंतजार है। देखना होगा कि कुमार मंगत इस कानूनी झगड़े के बारे में क्या बयान देते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।